हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज का स्पेशल रेसिपी है उकड़ीचा स्टीम लड्डू, कैसे बनाना आज हम देखेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई ली, गैस ऑन कर ली। ये आधा कप ड्राई कोकोनट, ये 2 स्पून घी, इसको एक कोकोनट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए हल्का सा फ्राई होने लग गया अभी ये। देखिए अच्छे से ये रोस्ट हो गया अभी। अब इसके अंदर देखिए मेजरमेंट, मैंने एक कप राइस फ्लोर ली। अब 2 कप पानी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। इसके अंदर 2 कप पानी डाली मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप गुड़, 1 बॉइल होने तक पानी को वैसे छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से पानी बॉइल होना शुरू हो गया और गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चने दाल। इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रखी और इसको हल्का सा बॉईल करके रख ली। अब इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम इसको ऐसे बॉईल होने के लिए रखेंगे। ये एकदम हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है ये उकड़ीचा स्टीम लड्डू। मैं हमेशा उकड़ीचा मोदक बनाते, मैं अभी लड्डू बना रही हूँ। अभी 2-3 मिनट हो गया, ये अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून इलायची पाउडर। इसको हम लो फ्लेम में कर लेंगे। ये 1 कप राइस फ्लोर। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे से डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसकी गुठलियाँ ना बने, इसलिए अब आराम से अच्छे से मिलाइए इसको। हमेशा आप लो फ्लेम में रख के इसको मिलाना है। अभी अच्छे से मिला ली मैंने इसको। इसको ऐसे लो फ्लेम में ही 1-3 मिनट के लिए हम इसको वैसे छोड़ेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो गए। अभी आप गैस को ऑफ कर लेंगे, इसे एक बार ऐसे चला लेंगे। अब इसको ढक के हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, उसके बाद इसको ठंडा। अभी ये 10 से 15 मिनट हो गए अभी ये। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, ये अच्छे से ठंडा होना है। देखिए अभी अच्छे से ठंडा हो गया अभी ये। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हाथों को थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। और ये मैंने इडली का साँचा ली, अब इसके अंदर रख के हम स्टीम करेंगे। सारे ऐसे बना के रख लेंगे। अब मैंने सारे लड्डू बना ली, अब इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। मैंने इडली के बर्तन में पानी ऑलरेडी बॉईल करके रख ली। सारे ऐसे रख लेंगे हम। अब इसको हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गए अभी। देखिए अच्छे से स्टीम हो गया। अभी गैस ऑफ कर लेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बनके तैयार है उकड़ीचा स्टीम लड्डू। एकदम सिंपल है ये और हेल्दी भी है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।